संघ समिति के अध्यक्ष चंदन दासरा के लोन विजय राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम साहब। ये दो दो बार क्यों बोलना पड़ता है, आदत पड़ गई लगता है। आप सबको मेरा राम राम, आप सबको मेरा आभार। जोर से बोल भैया, आई नहीं आवाज, और जोर से आई लव यू टू। सबसे पहले आप सबको मेरा नमन और कान पकड़ के माफी कि हम 4:30-5 घंटे लेट चल रहे हैं, लेकिन भैया हमने तो सोचा था हम 10 बजे भोजन कर लेंगे, अभी तक सुबह से एक रोटी टूट नहीं आई। तो हमारी पूरी टीम जो चल रही है भूखे पेट चल रही है, सही बता रहा हूँ। इंदिरा मीणा जी ने हमको 2-4 फल खिला दिए गाड़ी में, कांटे मैंने थे खाए सबने थे। आपको बातें तो मैं बहुत करना चाहता हूं, भाषण में देना चाहता नहीं, तो घर के व्यक्ति और परिवार होने के नाते मैं 2 बातें आपको एक बात बता के जाऊंगा। कोई धक्का मत दो, छोटी स्टेज है, लोग ज्यादा हैं। सबसे पहले हमें यह समझना है कि हम ये अस्थि कलश यात्रा निकाल क्यों रहे हैं। काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं आप कर क्यों रहे हो, कर क्यों रहे हो, तो मैं आपको समझा देता हूं। और समझने वाली बात, जब कर्ण साहब का देहांत हुआ तो जन सैलाब उमड़ा, और कुछ लोग तो उदयपुर से पैदल चल करके मुंडिया गांव पहुंचे, लेकिन वो कुछ ही पहुंच पाए, आपके यहां से भी कुछ ही पहुंच पाए, आप सब नहीं पहुंच पाए। तो हमने कर्नल साहब की अस्थियों को लेकर के पूरे राजस्थान के जो बाहुल क्षेत्र हैं जहां कर्नल साहब बार बार आया करते थे, लगाव आजाद का, वहां आए और सब महिलाओं बच्चों सब के साथ कर्नल साहब की अस्थियों को हमने उनके सामने रखा और उन्होंने अपने आशीर्वाद, श्रद्धांजलि और फूल चढ़ाए। ये तो रहा कारण इसका। 33 जिले हैं राजस्थान में, हम 23 जिलों में जा रहे थे। 200 विधानसभाएं हैं, उनमें से हम 75 विधानसभाओं में जा रहे हैं, कोई मामूली खेल नहीं है। 5,000 किलोमीटर है और करीब 26 से 27 दिन का सफर है, लंबा काम है। लेकिन ऐसा कौन सा बगड़ावत है जो लंबे काम से डरा होगा, हम तो करेंगे। हम सब पुष्कर में मिलेंगे। कर्ण साहब मेरे पिता थे, आप सबके पिता तुल्य। हमने परिवार के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के हिसाब से विधि विधान से कर्ण साहब का अस्थि विसर्जन सौरोजी में कर दिया था देहांत के बाद। लेकिन मैं तो, मेरे तो पिता हैं, आप सबके पिता तुल्य हैं, इसलिए जितनी ये जो अस्थियां हैं इनको 52 कलशों में 52 घाटों से पुष्कर में आप इनका अस्थि विसर्जन करेंगे, क्योंकि आपके पिता तुल्य हैं, आपका दायित्व है और आपके हमारे। कहते हैं ना कि यार इस बार होली नहीं खेलेंगे, अगली साल खेल लेंगे, दादा आज मजे नहीं आ रहे। लेकिन कर्नल साहब का अस्थि विसर्जन होली नहीं है, ये अगले साल नहीं आएगी, ये होली नहीं है जो अगले साल आ जाएगी, ये तो 12 सितंबर को ही होगा और उसके बाद कभी नहीं होगा।
और आपको ये बताऊं मैं कि 12 सितंबर को कर्नल साहब का जन्मदिन भी है। जिस दिन कर्नल साहब ने जन्म लिया और पहली किरकारी ली, उसी दिन आपके हाथों से कर्नल साहब का अस्थि विसर्जन होगा। इससे ज्यादा पुण्य की बात तो नहीं। मेरे को पता है आप लोगों को जल्दी हो रही है, लेकिन एक बात बताऊं आपको बहुत मजेदार, जल्दी कौन हो रही ना भाई। तो ऐसा हुआ कि जब हमने शुरुआत करी 16 तारीख को, हम लोग अपने कर्नल साहब की कुटिया में घुसे तो मूसलाधार बारिश हो रही थी गांव में मूड़िया में। और जब हमने कर्नल साहब का कलश सर पे, ये बिल्कुल सच है, फैक्ट है, कि जब हमने कर्नल साहब का कलश सर पे धारण किया तो बारिश रुक गई। और जब हम कर्नल साहब की समाधि से होते हुए, देवनारायण मंदिर से होते हुए 3.5 घंटे के बाद गांव से बाहर निकले और गाड़ी में जैसे ही बैठे, उसके 5 मिनट बाद बारिश वापस से शुरू हो गई। और 16 तारीख से लेकर के आज जो 26 तारीख हो रही है, जहां जहां भी हम जा रहे हैं बादल घने हो रहे हैं, खूब बारिश हो रही होती है, लेकिन जैसे ही कलश वहां पहुंचने लगता है बारिश अपने आप बंद हो जाती है। 1, 2, 3, 4 कल खिरनी में डोई साहब बड़े परेशान थे, दूसरे लंबे वाले रूप सिंह जी, वो कह रहे थे इतने बरस में बाढ़ आ जाएगी, क्या करेंगे भैया, हमारे सारे प्रोग्राम कैंसिल हो गए। हमने उनको बोला रूप सिंह टेंशन ना कर, हम जब वहां पहुंचेंगे बारिश बंद हो जाएगी, और ऐसी बारिश कि आंख नहीं खोले छाता नहीं खोल सके। और जैसे कर्नल साहब की गाड़ी पहुंची बारिश बंद, ये सच है, कल की बात है। अरे आगे भी तो सुनो। तो फिर हम लोग कर्नल साहब की अस्थियां लेकर के खिरनी गांव में माता जी के मंदिर के सामने से होते हुए, जैसे ही इनके कॉलेज से 100 मीटर दूर पहुंचे, उतरने का समय हो गया तो बारिश शुरू हो गई सर। ये सच है। तो जिस व्यक्ति विशेष की आप अस्थियों का विसर्जन करने जा रहे हो, उनकी अस्थियों में इतनी शक्ति है कि सारे समाज को, पूरे राजस्थान के एमपीसी समाज को, बाकी समाजों को, हर एक तबके के व्यक्ति को एक माला में पिरो करके आज यहां खड़ा कर दिया। इंदिरा मीणा जी पॉलिटिशियन है, लेकिन सुबह से मेरे साथ है, कर्नल साहब की अस्थियों को अपना सहारा दे रही है। मैं आप, अरे रुक जाओ और डट जाओ भैया, नहीं तो कुछ और डट जाने का कुछ और किया दोनों को बात यही है जाएंगे ठंड। बात यह है, आप समझिए मेरी बात और बहुत ध्यान से समझिए, जिंदगी में अगर समाज को आगे बढ़ाना है तो समाज के साथ एक सूत्र में लठ लेके खड़े हो जाओ, सारे काम अपने आप एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक होते जाएंगे। इसलिए आप सबको 20 लाख से भी ज्यादा, 20 लाख से ज्यादा की जनसंख्या आ रही है समाज में, 20 लाख से ज्यादा लोग पुष्कर को पहुंचने वाले हैं 12 सितंबर को, आपका वहां पर होना लाजमी है, आपके हाथों से कर्नल साहब का अस्थि विसर्जन होना लाजमी है, आपको वहां आना पड़ेगा, मैं अधिकार से आपसे कह रहा हूं। बातें मुझे आपके साथ बहुत करनी है, लेकिन ना रोटी टूक का टाइम है भाई, और कुछ लोगों का तो किसी और चीज का टाइम हो रहा हो, क्या हो गया, क्योंकि हम तो पूरे रास्ते इस पूरे इलाके में देखते हैं कि 5 बजते से लहर अगर बदल जाती है यहाँ, तो जिनकी लहर को टाइम है ना आपको बाय बाय, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू कम देयर। आप सब आइए, अपने हाथ खड़े करके मुझे बताइए कि आप हर घर से दो दो लोग आए हो। Oh, that's what he's talking about!
अरे मेरा भाषण खत्म नहीं हुआ, आई लव यू एंड आई लव यू मोर। इसी तरह से जज्बा रखना, कंधे से कंधे मिले मिलाकर चलना, और हम जैसे करण साहब कहते थे शाह जाओ और राम राम, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।